नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि 4x6 की सीट पर जो है 12 फोटो कैसे बनाई जाती हैं तुरंत। तो दोस्तों ये देखिए, ये 4x6 की सीट है, इस पर 12 फोटो तैयार हैं। तो दोस्तों इस तरह की फ़ोटो आप जो है तुरंत कैसे बना सकते हैं केवल एक क्लिक करके। तो दोस्तों पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब मैं फोटोशॉप वगैरह पूरा बंद कर देता हूँ। अब दोस्तों ये देखिए एकदम फ्रेश है। अब देखिए मैं ये फ़ोटो ओपन करूँगा फोटोशॉप पर, फ़ोटो जो है ओपन हो गई। अब दोस्तों मैं कुछ नहीं करूँगा, केवल एक बटन दबाऊँगा बस। ये देखिए एक बटन दबाया और ये 12 फ़ोटो तैयार हो गई 4x6 की सीट पर। तो दोस्तों इस तरह की फ़ोटो कैसे बनाते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको बनाना पड़ता है फ़ोटोशॉप पर एक्शन। तो दोस्तों ये देखिए, ये एक्शन का ऑप्शन है, ये आपको एक्शन रिकॉर्ड करना पड़ता है, केवल एक बार आपको करना पड़ेगा। और ये फिर आप जब भी कोई फ़ोटो बनाना चाहेंगे केवल एक बटन दबाएंगे और आपकी फ़ोटो तैयार हो गई हो जाती है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल स्टूडियो वाले करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह की फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है लास्ट तक का देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये मैंने फ़ोटो ओपन कर रखी है फ़ोटोशॉप पर। अब दोस्तों सबसे पहला काम आपका रहेगा कि पासपोर्ट साइज़ में फ़ोटो को कटिंग करना, क्योंकि वही सबसे मेन है। उसके बाद जो है आप एक्शन को तैयार करेंगे। अगर आप एक्शन पहले बना लेंगे तो कोई फ़ोटो बड़ी छोटी टेढ़ी मेढ़ी रहती है, इसलिए एक्शन सही से काम नहीं करेगा। सबसे पहला काम है आप फ़ोटो को जो है पासपोर्ट साइज़ पे कट कर लें। तो पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ बनाने के लिए आप जो बटन दबाएँ, सी बटन दबाएँ या फिर ये वाला टूल ले लें, फ़ोटो को थोड़ा बड़ा कर लें। अब दोस्तों आपको यहाँ से साइज़ देना है पासपोर्ट साइज़ का, इसलिए आप जो विड्थ जो रखेंगे 1.2, हाइट रहेगी 1.4, रेजुलेशन रहेगा 300। अब आप जो है यहाँ से कट करेंगे। ये दोस्तों एक बार आप भर लेंगे तो ये आपके में भरा रहेगा हमेशा। तो ये देखिए, ये आप जो है यहाँ से फ़ोटो को कट कर लें, इंटर बटन दबा दें। दोस्तों ये देखिए, अगर आपको फ़ोटो नहीं समझ में आ रही है, छोटी बड़ी करनी है, टेढ़ी मेढ़ी करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप दबाएंगे कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जब दबाएंगे तो पूरी फ़ोटो सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप दबाएंगे कंट्रोल टी। कंट्रोल टी बटन दबाने के बाद ये देखिए चारों तरफ डॉट आ गए हैं, इससे आप फ़ोटो को छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा देखिए कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप दबाएंगे शिफ्ट और आल्ट, ये दोनों एक साथ दबाए रखेंगे, तब ये देखिए फ़ोटो को छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, वरना जो फ़ोटो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, इधर उधर भागेगी। तो आप जो है इतना, ये देखिए मैं इतना जैसे ये इतना सेट कर सकता हूँ, ये देखिए इतना मैं सेट कर लिया हूँ। और अगर थोड़ा चाहें तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों ये जो धीरे धीरे ये देखिए इधर फ़ोटो खिसक रही है, तो दोस्तों इसके लिए आप एरो बटन का प्रयोग करेंगे, जो ऊपर नीचे अगल बगल होती है उसकी मदद से आप फ़ोटो को ये देखिए इधर उधर कर सकते हैं। इससे दोस्तों एकदम सेट फ़ोटो बैठ जाती है और यहाँ से आप टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। इसके लिए आप इंटर बटन दबाएँ। अब दोस्तों अब आप एक्शन तैयार करेंगे। तो एक्शन कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए आप विंडो बटन पर क्लिक करें और यहाँ से एक्शन बटन पर क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया एक्शन बटन का। अब आप इस पर क्लिक करेंगे न्यू सेट, इस पर आप जो है सेट बनाएंगे। तो मतलब कौन सा सेट रख रहे हैं, तो मैं 12 फ़ोटो वाला रख रहा हूँ पासपोर्ट साइज। ये मैंने 12 PP के नाम से बना लिया ताकि मुझे पता रहे कि कौन सा सेट मैंने बनाया है। और ओके कर लें, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ओके कर लें। अब यहाँ से आप क्लिक करके न्यू एक्शन क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए इस पर आप क्लिक कर लें। अब दोस्तों यहाँ से आपको ये नेम आप दे सकते हैं, तो नेम मैं यही रखना चाहता हूँ एक्शन वन। आप इस पर ये फंक्शन की दोस्तों यही सबसे मेन है। ये जो मैं एक बटन दबा के जो फ़ोटो को तुरंत बनाया था, वो यही वो फंक्शन की है। तो मैं इसे F3 कर लेता हूँ, कोई भी आप कर सकते हैं। इसके साथ आप शिफ्ट बटन दबाना चाहते हैं, कंट्रोल बटन दबाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं केवल F3 रखना चाहता हूँ और रिकॉर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे रेड कलर का बटन बन गया है और एक्शन आपका रिकॉर्ड हो रहा है। दोस्तों अब आप जितना भी काम करेंगे ये सब रिकॉर्ड करता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए आप दबाएँ कंट्रोल ए, पूरी फ़ोटो सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप चाहे तो यहाँ सिलेक्ट पर जाएँ, मॉडिफाई पर जाएँ और बॉर्डर पर क्लिक कर लें। इसके लिए शॉर्ट की है Alt+S+M+B, बी बटन दबाएंगे, देखिए बॉर्डर आ जाएगा। अब दोस्तों इस पर आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना बॉर्डर जो है मोटा होता जाएगा। तो मैं इसे 3 रहने देता हूँ और ओके कर लेता हूँ।
अब दोस्तों जैसे आप ब्लैक बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ब्लैक पे सिलेक्ट करेंगे, हरा नीला कोई भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं। तो मैं इसे ब्लैक पे सिलेक्ट करूँगा कलर, ये देखिए ब्लैक पे था, मैंने ब्लैक पे सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, केवल आप डिलीट बटन दबाएंगे, ये देखिए डिलीट दबाया और फोटो जो है फोटो में बॉर्डर लग गया। अब आप जो है फोटो को वो जो ये सिलेक्ट फोटो है इसको आप दबाएं कंट्रोल डी, ये देखिए। अब दोस्तों इसमें देखिए जो बॉर्डर था वो लग गया है। अब दोस्तों आप जो है इसको जो है कॉपी करेंगे, फोटो को कॉपी करके जो है 4x6 की शीट पर पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए आप कॉपी करने के लिए दबाएं कंट्रोल ए से पूरी फोटो सिलेक्ट करें और दबाएं कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, ये देखिए। अब यहाँ से आप फोटो को छोटा कर लें इस तरह और दबाएं कंट्रोल एन, कंट्रोल एन दबाएंगे तो ये वाला फंक्शन ऑन हो जाएगा। और आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए न्यू। अब यहाँ से जो है आप जो है 4x6 की सीट सिलेक्ट कर लें और ओके कर लें, देखिए 4x6 की सीट आ गई। और दोस्तों ये मैं कॉपी कर ही चुका था कंट्रोल ए और सी बटन दबा के। अब यहाँ पे केवल आप इस पे जो है पेस्ट करेंगे, ये देखिए मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से, कंट्रोल वी बटन दबाएंगे वो पेस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसको आप सेट कर लें, ये देखिए एरो वाली बटन से आप ऊपर नीचे करेंगे तो एकदम सेट बैठ जाएगी फ़ोटो। अब आप शिफ्ट और आल्ट दबाए रखे हो, फोटो को इस तरह बराबर से खींचें। अगर आप केवल आल्ट दबा के खींचेंगे तो फोटो ऊपर नीचे आगे भागे भागेगी ऊपर नीचे। तो देखिए तीन फोटो तैयार हो गए। अब दोस्तों इसके लिए आप जो है चाहे तो कंट्रोल ई दबा के जो है पूरा मतलब एक ही में मर्ज करके फोटो को तुरंत खींच सकते हैं, तो ये तीन तीन फोटो निकलेंगी। और अगर आप आल्ट दबाएंगे, देखिए आल्ट बटन, तो देखिए एक फ़ोटो निकलेगी। तो दोस्तों आप चाहे आल्ट से कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे आसान तरीका मैं यही बताऊंगा कि आप जो है क्योंकि देखिए दो जो जो फोटोशॉप में प्रोफेशनल रहते हैं वो ज़्यादातर जो है कंट्रोल ई से पूरा मर्ज करके ये फटाफट फोटो बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, इसलिए आप जो है केवल आल्ट बटन से प्रयोग करके इस तरह से फ़ोटो को बना लें, अपना काम जो है कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह आप जो आल्ट फिर दबाइए और इस तरह से आप जितनी फ़ोटो चाहे उतनी निकाल सकते हैं। तो मैं 12 फोटो इसे अच्छे से सेट कर देता हूँ, ये देखिए। अब दोस्तों ये देखिए जैसे मैं ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली इधर उधर हो रही, ये वाली कर रहा हूँ ये वाली इधर उधर हो रही। इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक जरूर करें रहेंगे ऑटो सिलेक्ट लेयर, इस पर आप क्लिक करना ज़रूरी है। ये देखिए इसको जो है सेट कर लें। तो दोस्तों अब देखिए ये आपकी जो है 12 फोटो तैयार हो गई हैं 4x6 की सीट पर। तो दोस्तों अब आप एक्शन को बंद कर देंगे, ये देखिए एक्शन जो है आप इसको बंद कर दें, ये देखिए बंद कर दिया। अब आपका एक्शन तैयार हो गया है। अब ये सब आप हटा दीजिए, ये सब पूरा बंद। अब आप फोटो ओपन करिए फोटोशॉप पर। अब आपका एक्शन तैयार हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, केवल आप जो है पासपोर्ट साइज पे कटिंग करेंगे, ये देखिए ये मैं कट कर दिया। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसलिए आप दबाएंगे F3, ये देखिए F3 दबाया और ये जो है आपकी फ़ोटो तैयार हो गई। अब दोस्तों मैं आपको एक फ़ोटो और बना के कोई दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब ये देखिए इतनी बड़ी फ़ोटो है, इसको कैसे एक बार में बनाएंगे पासपोर्ट साइज। तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आप जो है यहाँ से पासपोर्ट साइज पे कट कर लें इतना, ये देखिए। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो आप अच्छी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये देखिए ये पासपोर्ट साइज कट हो गई। अब केवल F3 दबाएंगे और ये देखिए मेरी जो है पासपोर्ट साइज में 6 फोटो तैयार हो गई और इसमें ऑर्डर वाडर जो है सब पूरा लगा हुआ है। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो चल रही है उसके नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे और चैनल से सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।